मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं आपको। बहुत एक प्यारी सी कहानी जो कि इंग्लिश चैप्टर का है और ये हमारा यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रीडर क्लास ट्वेल्थ पांचवा लेसन है। और इस पांचवें लेसन में हम पढ़ेंगे आज कहानी शुड विजार्ड हीट ममी। इसके लेखक है जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक है। शुड पाठ का नाम है शुड विजार्ड हीट ममी। क्या विजार्ड को यानी कि जादूगर को ममी को मारना चाहिए, हिट करना चाहिए? और इसके लेखक है जॉन अपडाइक। तो इस कहानी को ये हमारी 11th की बुक में, इंग्लिश की 11th की बुक में पांचवा लेसन जो कि सप्लीमेंट्री का है उस पर आधारित है। ये कहानी मैं आप लोग को समझाऊंगा किस प्रकार इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची की मनोदशा क्या सोचती है और बड़े क्या सोचते हैं, इन दोनों के अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस कहानी को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो हमारा टॉपिक का जो नेम है शुड विजार्ड हीट ममी, हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके लेखक है जॉन अपडाइक। तो शुड विजार्ड हीट ममी में जो हमारा पहला करेक्टर आता है वो होता है जैक का। जैक जो है एक पिता की भूमिका में हमें दिखाई देते हैं। जैक फादर है, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम क्लेयर होता है। हस्बैंड और वाइफ, क्लेयर वाइफ रहती हैं और जैक उनके पति होते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे तरीके से अपना काम करते रहते हैं। जैक एक तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट रहती है, यानी कि 6-7 महीने की वो प्रेग्नेंट है। और कहानी की शुभारंभ उस समय होती है जब हस्बैंड और वाइफ यानी कि जैक और उसकी पत्नी क्लेयर दोनों बरामदे में अलमारी को साफ कर रहे होते हैं। तभी इनकी छोटी बच्ची जिसका नाम जो है वो वहां आती है और इन दोनों के काम में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। जैक और क्लेयर जो कि अलमारी को साफ कर रहे होते हैं, बच्ची के खेलने से इन्हें असुविधा होती है। तो क्लेयर यानी कि जो की माँ, जो जो होती है इनकी पुत्री होती है, डॉटर होती है, जो की माँ कहती है जैक से कि सुनो आप इस बच्ची को ले जाइए और इसे बेडरूम में सुला दीजिए, क्योंकि जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक ये बच्ची हमें डिस्टर्ब करेगी और हम अलमारी की सफाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैक मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, ये मैं इस बच्ची को, प्यारी बच्ची को सुला कर आता हूँ, तब तक ले तुम्हें जो हो पाएगा वो काम करना, क्योंकि जो क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भारी वजन का काम नहीं करना है। अब जैक अपनी बच्ची को लेते हैं यानी कि जो को, और उसे जो कि 3-4 साल की अवस्था हो गई होगी वो उसे ले आके बेडरूम में सुलाने का प्रयत्न करते हैं। जब जो जैक अपनी प्यारी बच्ची जो को बेडरूम में ले जाते हैं सुलाने के लिए, तो जब वो बिस्तर पे आ जाती है तो इन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ था। जो के पिता यानी कि जैक जब भी अपनी बच्ची को सुलाते थे तो उन्हें एक डेली हमेशा रोजाना एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाया करते थे, जो कि जैसे कि बच्चे हमें पंचतंत्र की कहानियों में छोटे छोटे जानवरों की कहानियां देखने को मिलती है, कोई खरगोश है, कोई लोमड़ी है, कोई लायन है, इस प्रकार की जो पंचतंत्र की कहानियां हमें छोटे बच्चों को किताबों में देखने को मिलती हैं, उन्हें कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक लोमड़ी बोल रही है और कैसे कैसे कार्टून के माध्यम से बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो के पिता भी जैक को, जब जैक 2 साल की थी तब से ही वो जब भी उसे सुलाते हैं एक प्यारी सी कहानी मन में बना लेते हैं और उसे रोगर नाम देते हैं, उस जानवर का जो उन्होंने खरगोश के रूप में अपना छोटा सा जानवर लिया हुआ था मन में, काल्पनिक जानवर, उसका रोगर नाम देते हैं। कभी रोगर फिश करके पुकारते हैं, कभी रोगर चिंपैंज करके बुलाते हैं, कभी रोगर स्क्वायरल करके बुलाते हैं। इस प्रकार एक छोटे जानवर का कैरेक्टर वो रोगर के नाम से ले लेते हैं और प्यारी सी बच्ची को जब वो 2 साल की थी तब से ये रूटीन लगाए थे, पर डे उसे सुलाते समय एक नया कहानी उसे सुनाया करते थे। बच्ची जो कि जो है बहुत प्यार से उनकी स्टोरी को सुनती और लगन से उनकी सुनते सुनते वो सो जाया करती थी। जब वो रोगर की स्टोरी लेते थे तो उनकी एक रोगर स्टोरी में जो करेक्टर होता था, जो छोटा सा जानवर जो कि बोल रहा है, खेल रहा है, उसका करेक्टर लेके जब वो सुनाते हैं तो वो रोगर
क्या था कि रोगर को हमेशा कोई ना कोई समस्या आती थी, और वो समस्या वो जानवर लेकर कहानी के माध्यम से एक वाइज उल्लू एक पेड़ की डाली पर, कुछ दूरी जाने पे एक पेड़ की डाली थी, उस पेड़ की डाली पे ऊपर एक उल्लू रहता था, और वो वाइज उल्लू था, बुद्धिमान उल्लू था, वो रोगर जानवर की समस्या को सॉल्व करता, उसका निराकरण करता, और वह अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो उसे एक विजार के पास जो कि पर्वत में ऊंचाई पे रहता था वहां पे भेज दिया करता था, और वो विजार किसी भी जानवर का समस्या हल कर देता, और उसके उपलक्ष्य में वह कुछ उससे पेनी देता, पेनी यानी कि एक कुछ रुपये लेता। अब इस प्रकार उसकी समस्या हल हो जाया करती थी उस जानवर की, जादूगर के माध्यम से जादूगर पैसे ले लेता, उसकी समस्या हल कर देता। तो ये जैक की कहानी के मेन पात्र हुआ करते थे, रोगर मेन पात्र रहता, और वो अपनी प्यारी सी बच्ची को सुलाते समय ये स्टोरी रोगर से जुड़ी हुई सुनाया करते हैं। इस दिन भी ऐसा ही होने वाला था, इस दिन भी वो रोगर उसका मेन कैरेक्टर तो था ही, अब आज वो रोगर स्कंक की कहानी अपनी बच्ची को सुलाने वाले थे, सुनाने वाले थे ताकि उनकी बच्ची अच्छे से सो जाए, और जल्द से जल्द उसको सुलाकर वो अपनी वाइफ का हाथ बटाने नीचे बरामदे में आ जाए जो कि ऑलरेडी अलमारी की सफाई कर रही थी। तो वो प्यारी बच्ची को आज कहानी शुभारंभ करते हैं रोजर स्कंक की। रोजर स्कंक यह एक ऐसा जानवर होता है जिसके शरीर से बदबू निकलती है, वह छोटा सा जानवर उसके शरीर से बदबू निकलती रहती है, जिसके कारण उस छोटे जानवर को और सारे जानवर जो कि जंगल में थे उसे अपने साथ खिलाने में खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसे नकार देते हैं कि तुम्हारी स्मेल बहुत गंदी है, तुम अच्छा स्मेल नहीं कर रहे हो, और इस प्रकार वह जानवर काफी उदास हो जाता जब वो अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता था। अब इसके साथ साथ उस जानवर की ये समस्या थी रोगर स्कंक की। अब वो अपनी समस्या को लेकर जब बेटी पूछती है कि पापा क्या ये भी रोगर स्कंक अब पुनः उस वाइज उल्लू के पास जाएगा जो कि पेड़ के पास बैठा हुआ है, तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटी, वो अपनी जोश से कहते हैं कि हाँ वो अभी अपनी समस्या को सॉल्व करने उस बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा। तो जैसा कि कहानी में उसके पापा हमेशा रोगर की समस्या सॉल्व करने के लिए उल्लू के पास सुनाया करते थे, तो इस कहानी में भी ऐसा ही होता है, वह रोगर स्कंक अपनी समस्या यानी कि वह अपनी बदबू वाली समस्या लेकर, रोगर स्कंक अपनी बदबू वाली समस्या लेकर उस वाइज उल्लू के पास जाता है, और वाइज उल्लू से कहता है कि ओ वाइज उल्लू तुम मेरा ये समस्या सॉल्व कर दो। वो कहता है कौन सी समस्या? वो कहता है कि मेरे शरीर से बदबू निकलती रहती है और कोई भी जानवर मुझे अपने साथ खिलाना नहीं चाहते हैं। उल्लू कहता है मैं वाइज उल्लू तो हूं लेकिन मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं, विजार तो हूं नहीं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ठीक है तुम मेरे पास आए हो, मैं सभी जानवरों की समस्या हल करता हूं, तुम्हारी भी समस्या हल करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे जादूगर का नाम बता रहा हूं, तुम उस जादूगर के पास जाओ और वो तुम्हें मिलेगा यहां से दूर पहाड़ी के ऊपर, उसका घर है वही। वो छोटा सा जादूगर थोड़ा विचित्र किस्म का टोपी पहना हुआ, जादू की छड़ी उसके हाथ में लिया, वो जादूगर तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी समस्या को हल कर देगा। अब रोगर स्कंक जिसके शरीर से बदबू आया करती थी वो अपनी इस बदबू की समस्या को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है पहाड़ी की तरफ, और जाते जाते वो पहाड़ पे पहुंच जाता है, और दरवाजा खटखटाने पर वो जादूगर का दरवाजा, जादूगर जब खोलता है तो इसे पाता है। अब जादूगर इससे पूछता है तुम कौन हो और किस लिए आए हो? वो रोगर स्कंक कहता है कि मैं अपनी एक समस्या लेकर आया हूं, तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो। जादूगर कहता है बताओ क्या समस्या है? रोगर कहता है कि मेरे शरीर से काफी बदबू निकलती है और कोई भी जानवर मुझे अपने साथ खिलाना नहीं चाहते, खेलने की अनुमति नहीं देते हैं, मुझे अलग कर देते हैं मेरी शरीर की बदबू के कारण। जादूगर कहता है चलो ठीक है तो मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा। अब वो बताता है कि तुम्हें किस प्रकार की खुशबू चाहिए, बताओ तुम कैसे शरीर से खुशबू निकालना चाहते हो? तो रोगर स्कंक बताता है जादूगर विजार से कि आप मेरे शरीर से गुलाब की खुशबू निकालिए रोज की। वो आबरा का डाबरा जादू का मंत्र मारकर अपनी छड़ी उठाता है जादूगर, और ऐसे उस रोगर स्कंक के ऊपर घुमा देता है जिससे उसके शरीर से अब गुलाब की खुशबू निकलनी शुरू हो जाती है। अब रोगर की समस्या सॉल्व। बेटी कहती है कि अब तो वो अच्छा हो गया,
वो जो को ये कहानी बता रहा था। अब रोगर स्कंक काफी खुश होता है और वहां से चलने को होता है। तभी जादूगर उसको टोकता है, रुको रुको, मैंने तुम्हारी समस्या हल कर दिया, अब मैं इसके पैसे लूंगा। रोगर स्कंक कहता है, कितने पैसे लेंगे? तो वो कहता है, मुझे हाँ कुछ पेनी रुपये दे दो। अब वो कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो जादूगर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम यहाँ से सीधे गली पकड़ के जाओ, उस जंगल में तुम्हें एक कुआं मिलेगा, कुआं के चारों बगल चक्कर लगाना और जितने तुम्हें पैसे की जरूरत रहेगी वह कुआं तुम्हें दे देगा और तुम वो पैसे लाकर मुझे दे देना। अब रोगर स्कंक ऐसा ही करता है, जाता है जंगल में आगे। स्कंक ऐसा ही करता है, वो जंगल में आगे जाता है और कुएं के चक्कर लगाता है, कुआं उसे पैसा दे देता है और वो पेनी लाकर उस विजार को दे देता है और वहां से चल पड़ता है। रास्ते में आते हैं वो काफी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और जानवरों के पास जाता है। जानवर उसकी गुलाब की खुशबू देखकर काफी प्रसन्न होते हैं और उसे अपने साथ ग्रुप में खेलने की अनुमति दे देते हैं। उस दिन रोगर स्कंक काफी खुश रहता है, जैसा कि सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे, सभी जानवर उसको खेलने की अनुमति दे दिए। सुबह सुबह से शाम हो गई खेलते खेलते। अब शाम के समय जैसा कि सभी बच्चे अपने घर पे अपने माता पिता के पास वापिस चले जाते हैं, रोगर स्कंक भी अपने घर अपने माँ के पास वापिस आता है। जब वो माँ के पास वापिस आता है घर में, तो उसके शरीर की जो नेचुरल जो स्मेल थी अब यहाँ पर बदली हुई सी नजर आती है। उसकी माँ पूछती है, हम लोग के घर में ये किसकी स्मेल आ रही है, कौन है जो इस तरह का बदबू कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसकी रोजर की वो गुलाब वाली खुशबू उसकी माँ को अजीब लग रही थी, क्योंकि उनके डीएनए में ही वो बचपन से ही उसके सारे भाई बहन जो भी थे उनकी खुशबू अलग थी और इसकी खुशबू अलग थी। उनकी वो बदबू वाली खुशबू ही उसकी माँ के लिए सबसे फेवरेट था। लेकिन अब रोगर ने अपनी नेचुरल जेनेटिक को चेंज किया था, इसकी जो खुशबू थी उसको बदलकर इसने गुलाब की खुशबू धारण की थी, तो ये खुशबू उसकी माँ को अच्छी नहीं लग रही थी। माँ रोगर से को डांटती है कि ये तुमने क्या कर लिया, ये कहाँ से आ गया और तुम्हारी खुशबू ऐसे चेंज कैसे हो गई? रोगर बताता है, मम्मी मैं क्या करूँ, कोई भी जानवर मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं वाई जुल्लू के पास गया और वाई जुल्लू ने मुझे एक विजार्ड के पास भेज दिया उस पहाड़ के ऊपर, जिसने मेरी खुशबू चेंज कर दी मेरे कहने पर। अब उसकी माँ काफी नाराज होती है और कहती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया बेटा, हम लोग की जो नेचुरल चीजें हैं वही रहनी चाहिए। अब वो उसकी माँ कहती है, चलो तो मुझे उस जादूगर के पास ले चलो जिसने तुम्हारी ये खुशबू चेंज की है। अब रोगर स्कंक अपनी माँ को लेकर, माँ उसकी एक छाता अम्ब्रेला उठाती है और टालते हुए उसके हाथ पकड़कर उस जादूगर के पहाड़ के पास पहुंचती है। जादूगर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुमने मेरे पुत्र की यह नेचुरल स्मेल को चेंज क्यों कर दिया, तुम इसकी चेंज को क्यों किए? वो उस जादूगर कहता है कि ये खुद जिद कर रहा था, तो मैंने इसकी नेचुरल चेंज इसकी स्मेल को चेंज किया है। उसकी मम्मी कहती है, मेरे बच्चे को पुनः उसकी ओरिजिनल स्मेल दे दो। अब वो जादूगर कहता है, ठीक है हाँ। अब वो उसकी आबरा का डाबरा फिर छड़ी घुमाता है और जो उसकी नेचुरल स्मेल होती है वो उसको वापिस कर देता है। अब इस प्रकार ये कहानी का समापन होता है। जैक अपनी बेटी जो को जो ये कहानी सुना रहा था, अब जो सुनती सुनती कहती है कि तो फिर जादूगर ने उसकी माँ ने अच्छा नहीं किया, उसकी माँ ने उसकी पुनः वही स्मेल दिलवा दी, अब पुनः बच्चे उसको अपने साथ नहीं खिलाएंगे खेलने देंगे और जो हमेशा परेशान रहेगी। अब उसकी बेटी इस प्रकार की प्रश्न करने लगती है। जैक काफी परेशान रहता है कि बेटी रात हो गई है, तुम सो जाओ, मुझे नीचे जाना है, काम करना है। अब वो कहती है, नहीं पापा मुझे सुनाइए। अब उसकी मम्मी अच्छी नहीं थी, वो बताता है जैक अपनी जो से कि नहीं बेटा, जो मम्मी होती है पापा होते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं, उसकी माँ ने भी ठीक किया जो उसकी नेचुरल खुशबू वापिस करा दी। तो जैक जो बार बार प्रश्न करती है जैक से, क्या पापा फिर सारे बच्चे उसको अपने साथ खेलने की अनुमति दिए? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटी। अब इसके बाद जब वो उसी खुशबू के साथ उनके पास गई तो वो सारे बच्चे अब ये सारे बच्चे उसको अपने साथ खेलने की अनुमति दे दिए, क्योंकि वो उनके साथ खेलने के आदी हो चुके थे। अब इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। अब जब अंत हो जाता है तो उसकी प्यारी बच्ची जो अपने पापा से नाराज हो जाती है, नहीं पापा ये अच्छा कहानी का अंत नहीं हुआ, आपने कहानी अच्छे तरीके से अंत नहीं किया, मुझे तो उसकी जो की
रोजर स्कंक की माँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि रोजर स्कंक की माँ ने अच्छा काम नहीं किया, जादूगर तो उसकी भलाई किया था उस प्यारी सी बच्ची का, और उसने उसके जादूगर को ही जाके मार दिया अपने छाते से और फिर उसकी उसी दशा में कर दिया। अब आप कल जब कहानी सुनाइएगा तो मुझे ये कहिएगा कि सूट विजार्ड हीट मम्मी, उस विजार्ड ने इस जैक रोगर स्कंक की मम्मी को हीट किया, और यही कहानी का हमारा टाइटल बन जाता है, जो कि जो अपने पिता जैक से बार बार ये प्रश्न करती है कि आप कहानी सुनाइए, तो आप मुझे ये बताइए कि सूट विजार्ड हीट मम्मी, क्या विजार्ड को उसकी मम्मी को नहीं मारना चाहिए था, और ये कहानी का टाइटल हो जाता है। वो बच्ची जिद पकड़ी रहती है और सोती नहीं है, जब जैक उसे छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर के आता है तो वो बेड से उतर के पीछे पीछे चली जाती है। अब जैक अपनी बच्ची को समझाता है कि जाओ बेटी सो जाओ, तुम्हारा भाई बॉबी अभी बगल में सो रहा है, नहीं सोगी तो मुझे काम नहीं होगा, डरता है। तब वो उदास मन से आकर जो ऊपर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन पापा से यही जिद करती है कि पापा कल आप नई कहानी जब सुनाएंगे मुझे तो यही कहिएगा कि उस विजार्ड ने हिट मम्मी मम्मी को मारा। तो इस प्रकार जॉन अपडाइक की यह कहानी खत्म होती है और जैक पुनः अपनी वाइफ क्लेयर के पास नीचे आ जाता है। अब जब वो क्लेयर के पास नीचे आता है तो उसकी पत्नी अब नीचे का सारा काम, अलमारी को साफ करने की जो काम कर रही थी, उसी भारी भरकम शरीर से सब काम कर ली होती है, और जब आती है इतने लेट से देखती है कि जैक वापिस आ गया है तो काफ़ी उसको डांटती है, झगड़ा करती है उससे। अब वो जैक को कोई काम नहीं करने देती है और उसी भारी मन से अपनी काम करती है। तो अंत के समापन में हमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार हस्बैंड और वाइफ में थोड़े से काम को लेकर झगड़े के रूप ले लेते हैं। तो ये पूरी कहानी होती है हमारी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।